नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुमित और आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अपना NRI और PIO और एक OCI है उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों NRI का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसे यदि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो वो व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं तो हम उसे NRI कहते हैं। इस केस में जो व्यक्ति बाहर रहने जाता है तो वह या तो किसी काम के सिलसिले में जो है विदेश में जाता है या किसी और कारण से, लेकिन उसे विदेश जाने के बाद भी अपने देश की नागरिकता प्राप्त है तो वह NRI कहलाता है। अब बात करें PIO क्या है। PIO का फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, या फिर यूँ कहें एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भारत से जुड़ा रहा हो और अब विदेश की नागरिकता के साथ विदेश में ही बस गया हो तो उसे PIO कार्ड की आवश्यकता पड़ती है भारत में आने के लिए। इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिनमें रहने वालों को भारत PIO कार्ड नहीं देता है। वो कौन से देश है मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब जो देश हैं इन सब देशों को PIO कार्ड नहीं दिया जाता भारत सरकार के द्वारा। जो व्यक्ति इन देशों में रहते हैं वहाँ की नागरिकता ले रखी है तो उन्हें PIO कार्ड नहीं दिया जाता है। 9 जनवरी 2015 को PIO और OCI को आपस में जो है मर्ज कर दिया था दोस्तों। अब PIO के सारे कॉन्सेप्ट OCI के कार्ड के जरिए ही निभाए जाते हैं। NRI और PIO में क्या अंतर है दोस्तों। NRI एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे नागरिकता भारत की प्राप्त होती है और वो विदेश में रहता है, जबकि OCI या PIO में कोई बाहर का व्यक्ति जो कभी भारत से किसी भी प्रकार की नागरिकता से जुड़ा था वो आ सकता है। नंबर 2, NRI के लिए हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों को जोड़ सकते हैं, लेकिन OCI में इन सब देशों को कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। नंबर 3, PIO के लिए विदेश में रहने वाले व्यक्ति का कोई रिश्तेदार भारतीय होना चाहिए या उसके माता पिता, दादा दादी 15 अगस्त 1947 यानी 1947 के बाद भारत के नागरिक रहे हों या बनने योग्य हों। जबकि NRI में जो व्यक्ति विदेश में होता है उसके पास खुद की भारत की नागरिकता होती है। नंबर 4, PIO कार्ड आवेदन कभी भी किसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बना होना चाहिए या उसके पूर्वज रहे हों, जबकि NRI में ऐसे नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लास्ट पॉइंट है अपना, PIO कार्ड आवेदक के रिश्तेदार जैसे पति, पत्नी या माता पिता PIO कार्ड होल्डर हो तो भी उसे PIO कार्ड दिया जाता है। NRI में इस प्रकार के कड़े कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ और पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि भाई PIO कार्ड धारक भारत में जमीन नहीं खरीद सकता, हाँ NRI खरीद सकता है। PIO कार्ड धारक को भारत में मेडिकल में कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होता है, जबकि NRI को हो सकता है उसकी जाति के अनुसार, जो कि बहुत ही गलत है जाति वर्ती सब ये सब। PIO कार्ड धारक को भारत में कुछ ही व्यवसाय में छूट दी गई है जिसमें वो यहाँ रह के काम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, फार्मेस्ट, नर्स, आर्किटेक्ट और आदि, ये सब इस तरह के काम जो है PIO धारक कर सकता है। NRI मुख्यतः रूप से कोई भी व्यवसाय कर सकता है जो कि एक भारतीय कर सकता है। PIO कार्ड के जरिए आए व्यक्ति के लिए भारत में विदेशों वाले नियम का प्रयोग किया जाता है कुछ स्थानों में छोड़ के, जबकि NRI के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो भारतीय नागरिक माना जाता है। तो ये थे कुछ दोस्तों पॉइंट्स, आपको NRI, PIO और सही ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आज की वीडियो को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर।